हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हो गया भैया दूसरा दिन, तो फाइनली अभी अपडेट ये है कि आज एक इंजेक्शन भी लग गया। और इंजेक्शन क्योंकि आपको पता है बच्चों को लगता रहता है ना। और अभी सारी चीज़ें ओके हैं, सब चीज़ें ठीक है, परफेक्ट हो। बट एक सबसे मेन चीज़ अगर आपको बताऊँ, पता क्या है कि सब सही है। और कल एक कमेंट भी आया था, उसमें कमेंट आया था कि सर आपको क्या पता कि भाई कितना प्रॉब्लम के बाद ये सब चीज़ें होती है। एग्री, बट वो तो देखो ये बात तो परफेक्ट है भाई। जो फीमेल हैं वो लोग इनको ज़्यादा बेटर समझते हैं, हम लोग को बस बोलते हैं ठीक है भाई, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उनसे अच्छा कोई इस चीज़ को और नहीं समझ सकता। तो एक काम करते हैं, एक जगह बनाते हैं, उधर बैठते हैं, फिर करते हैं लाइव स्टार्ट आज काफ़ी टाइम के बाद। तो भैया कहने का मतलब बस ये है कि सब चीज़ें बिल्कुल अभी परफेक्ट हैं। और अभी मैं चेक कराने भी ले गया था, सब कुछ ओके है, तो हो सकता है शायद एक से दो दिन के अंदर, या मे भी आज भी हो सकता है, क्योंकि जो पेपर है हमारा डिस्चार्ज वाला ऑलमोस्ट वो भी बन ही चुका है। बस एक चेकअप और रह गया था। अब इसके बाद अगर कोई पेंडिंग होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसको आगे वो लोग प्रोसेस करेंगे और फिर वो डिस्चार्ज के आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी यहाँ पर ये है कि भाई अभी मेरे को कम से कम आप समझ लो कि ढाई तीन महीने हो गए, तीन चार महीने हो गए, या उससे भी ज़्यादा शायद। हाँ, मतलब प्रोसेस चल रहा है। एवरी डे नहीं, हर हफ्ते में कम से कम 1-2 बार हम लोग इधर हॉस्पिटल में, और फाइनली वो टाइम भी ख़त्म। अब ये हॉस्पिटल भाई, क्योंकि देखो कोई भी नहीं चाहता कि थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों लोग दूर भागते हैं, बट सिचुएशंस कंडीशंस सब आके कहीं ना कहीं आदमी को रख देते हैं। बाकी अभी जो है शिवाय ना बड़ा एक्साइटेड है बहुत, कि जल्दी से मुन्ना घर आए और वो जल्दी से घर आए। और उसके बाद अच्छा, कई लोगों ने पता है क्या है कि अब इसको क्या बोलते हैं, कल मैंने एक दो चार कमेंट भी पढ़े, उसमें बोलते हैं कि भाई सर न्यू फेसबुकर भैया मतलब लोग भी ना, मतलब मेरे से उसको मतलब जैसे कि लाइक क्रिएटर, तो ऐसे वो उसको भी लोग नाम दे रहे हैं। चलिए थैंक यू, ये सब आप लोगों का प्यार सपोर्ट है। और आगे फर्दर जो भी अपडेट रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। इस दौरान अभी मैं काफ़ी लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया, बहुत सारे लोगों का इशू भी। देखो मैं अभी नाइट में, फिर इधर मॉर्निंग में, फिर ये पूरा दिन भर सर यही लगा रहता है। अभी कम से 3-4 दिन हो गया मैं ऑफिस भी नहीं गया, 3-4 दिन से, यानी कि 9-10 तारीख से मैंने बंद ही कर दिया ऑफिस ही, स्टॉप कर दिया। 6 दिन हो गया ऑफिस गए हुए, तो सब चीज़ें सही से हो जाएँ बिल्कुल प्रॉपर, उसके बाद फिर ऑफिस वगैरह स्टार्ट करते हैं। ऑफिस तो चल रहा है, ऐसा नहीं ऑफिस नहीं चल रहा है। आपको मैं दिखाऊं अभी ऑफिस का, अगर आपको मैं स्टेटस दिखाऊं, अभी ऑफिस में सभी लोग लगे हुए हैं अपने काम में। गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे अभी ऑफिस का अभी स्टेटस, तो पे रीलोड हो रहा है ना? और ये बस एक बार लोड कर ले, फिर उसके बाद में यहाँ पे सब विजिबल हो जाएगा। तो भैया देखोगे इधर ना, तो यहाँ पे आप देखोगे सब वर्क चल रहा है। ऐसा नहीं कि भैया बस ये है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो अभी ये देखोगे यहाँ पे काम वगैरह जो है। ये वाला कैमरा ख़राब है अभी, ये कैमरा देखो इधर ये क्या लगा पड़ा है, ये भाई साहब भी यहाँ लोग लगे पड़े हुए हैं। तो स्टाफ तो पूरा आया हुआ है, ठीक है, नो डाउट, परफेक्ट। ये पूरी प्रक्रिया चलती है और बस 1-2 दिन के अंदर दोबारा क्लासेस नहीं मतलब जो मेरा ऑफिस वगैरह का स्ट्रक्चर है सब चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि बस ये यहाँ से डिस्चार्ज हो जाए तो मेरी टेंशन हो जाएगी ख़त्म। और आफ्टर दैट फिर ऑफिस घर आप, ऑफिस घर आप। चलो गाइस बस ये था एक अपडेट, और बाकी अभी बेबी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा। आज की मैं तस्वीर दिखाऊँ आपको, मैं आज की लेटेस्ट फ़ोटो दिखा देता हूँ, आज की करंट फ़ोटो है ना, आपको मैं आज की करंट फ़ोटो दिखा देता हूँ, एक में जो आज मैंने क्लिक किया था सुबह। ये देखो कि भैया फ़ोटो लेटेस्ट, साहब मस्त होके सो रहे हैं एकदम। जब तक बच्चे का बचपन वाला जीवन होता है, बाकी तो सर दुनिया भर का टेंशन ही टेंशन। चलिए गाइस बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट और एक ऐसा कुछ अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, और कमेंट में अपने मन की बात जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।